सो गाइस वेलकम बैक। ये हमारा लास्ट वर्कआउट वीडियो है इस फुल बॉडी वर्कआउट सीरीज में। और आज हम गाइस सॉरी इंटरप्ट, दिस इज नॉट द लास्ट। आज शोल्डर का वर्कआउट आने वाला था बट शोल्डर का ऑडियो करप्ट हो चुकी है, तो इसलिए मैं बैक का वर्कआउट पहले डाल रहा हूँ। बट दिस इज नॉट लास्ट, इसके बाद शोल्डर का वर्कआउट आएगा, उसके बाद हमारी फुल बॉडी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। तीसरी चीज, माय प्रोटीन की मेरी क्रिसमस सेल। क्रिसमस सेल लाइव है, कोड है गौरव30। If you shop above 6,000, put in the code Gaurav30, आपको मिलेगा 30% discount. Link है description में और pinned comment में, जाओ लूट लो, मजे करो। और continue करते हैं back workout, और इस back workout को try करो, मजा आएगा भाई। मैं back and traps में हमेशा traps back के साथ prefer करता हूँ। workout में prefer करेंगे जितने भी हम free weight ले सके या फिर ऐसी मशीन ले सके जो सबके जिम में अवेलेबल है। कुछ फैंसी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वर्कआउट को सिंपल रखेंगे बट हैवी और हार्ड को रखेंगे, जो इस पूरी सीरीज का एक क्रक्स हमने निकाला है। इस वीडियो के बाद एक डाइट वीडियो भी करूंगा कि जो आपने चार वर्कआउट वीडियोस देखे हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए डाइट कैसी होनी चाहिए, सप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। पहले एक साइज हमारी होने वाली है लैट पुल डाउन। हर जिम में वो सबसे बेसिक मशीन है, अगर आप घुसेंगे तो फर्स्ट मशीन यू सी इज द लैट पुल डाउन ऑलवेज। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। तो गाइस बैक स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे वार्म अप में हमें क्या है, बैक की स्ट्रेचेस करनी होंगी। सो बेस्ट स्ट्रेचेस, इफ यू होल्ड द वॉल या कुछ ऐसा होल्ड करके अपनी लैट को पूरा स्ट्रेच करें आप। एंड अगर आपको लोअर लैट को स्ट्रेच करना तो अपनी एस जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में आप उसको ले, जैसे ये है ये, अभी आप लोअर लैट पूरा खिंच जाएगा। अभी आपका सिर्फ यहाँ तक खिंचेगा, ये करने से यू विल फील कि कितना सही स्ट्रेच आता है इससे। स्ट्रेच लाइक दिस एंड लोअर लैट के स्ट्रेच कर लेता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज हम ले रहे लैट पुल डाउन। दिस इज अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज। ईगो लिफ्टिंग करते हैं और झटका देके मारते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जितना वेट उठाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये सबसे एक बेसिक एक्सरसाइज है, तो उसके तीन चार फंडे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर वन, हम इसमें पाँच छः सेट लेंगे फील के डिपेंडिंग, क्योंकि हमारा मेन वार्म अप यहाँ से चालू होगा। हम हल्का वेट लगाएंगे और इसको टक 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 बढ़ाते जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो वर्कआउट कर रहे हो जिस बॉडी पार्ट का, उसका वार्म अप बहुत ज़रूरी है। आप भले ही रनिंग 5 मिनट कम कर लो, पुशअप मारने की ज़रूरत नहीं है, चिनअप मारते हैं। अच्छा हाँ, जिन लोग का बॉडी वेट ज़्यादा है चिनअप उनके लिए वार्म अप नहीं होता, पुलअप्स उनके लिए वार्म अप नहीं होता, क्योंकि आप 6, 7, 8 ही कर पाते तो आपका मेन सेट हो जाता। तो लैट पुल डाउन में आप कम वेट लगा कर सकते हैं। अभी मिथ्स क्या है कि मैं अगर वाइड लगा के मारूंगा तो मेरी बैक वाइड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना वाइड मारेंगे उतना इनर बैक पे आएगा और जितना क्लोज मारेंगे ये उतना आपका आउटर लैट्स पे आएगा, तो फंडा पूरा ऑपोजिट चलता है। तो दूसरी चीज़, लोगों को पोजिशन पता नहीं होती। कुछ लोग एकदम सोचते हैं कि ऐसे 90 डिग्री मारेंगे क्योंकि फॉर्म स्ट्रिक्ट रखनी है, ऐसे मारेंगे, और कुछ लोग ऐसे मारते हैं, और सबसे ख़राब जो दोनों चीज़ें वो कंबाइन कर देते हैं, ऊपर आते वक्त ऐसे नीचे आते वक्त। मैं थोड़ा हैवी वेट लगाता हूँ, आपको आइडिया होगा मैं किस चीज़ की बात करूँगा, क्योंकि वो फीलिंग हैवी वेट में आएगी, ऐसे आपको लगेगा मैं फेक कर रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, ये लगाया, ये मारते हैं, तो इसमें ना तो बैक हो रही है ना कुछ हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, सब टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो आप प्रोटीन शेक पे पैसा खर्च कर रहे हो वो भी वेस्ट हो रहा है आपका। सही तरीका क्या है, नींदर, दोनों में से कोई भी सही तरीका नहीं है। सही तरीका है, आप अपने सबसे पहले बैठे आप, ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, पूरी स्ट्रेच। सबसे पहले आपने अपने स्कैपुल एक्टिवेट कैसे करते हैं, ये स्कैपुल एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद लैट्स काम करेंगे, जब तक आपका ये था आपके लैट्स उतनी अच्छे से काम नहीं करेंगे। ये देखो स्कैपुल एक्टिवेट हो गया, अब मैं इसको खींचूंगा ऐसे। पोजीशन क्या है, 90 डिग्री नहीं है, आप देखिए शीशे में 90 डिग्री है, 15 डिग्री पीछे, ये नॉट लाइक दिस, 15 डिग्री पीछे, स्कैपुल एक्टिवेटेड, अपर चेस्ट पे लाएंगा मैं ये, न्यूट्रल स्पाइन रहेगी मेरी। न्यूट्रल स्पाइन से क्या मतलब है, ना तो राउंड रहेगी ऐसे, ना स्ट्रेट रहेगी, मतलब ऐसे नहीं रहेगी। न्यूट्रल स्पाइन होती है ये, जो लोअर बैक में आपके और आर्क आता ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है आपकी स्पाइनस पोजिशन में, चोट लगने की बिल्कुल आपको डर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, ग्रिप ऐसे पकड़नी है या ऐसे, मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे, क्योंकि इससे मेरी रिस्ट पे कम लोड आता है, मेरी रिस्ट कम थकती है। जब मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो मेरी रिस्ट भी एक्टिवेट हो जाती है, हालांकि होगी दोनों में, इसमें कम होती है, तो मेरे को
बहुत बार आप देखेंगे बैक में, आपको लगेगा यार बैक में थकान नहीं हो रही, यहाँ थकान हो रही, इससे खींच नहीं पा रहे। अगर ये ना थकता ना तो शायद हम दो रैप और लगा लेते, तो वो चीज़ आती है। बाकी रैप्स स्ट्रैप्स आप यूज़ कर सकते हो, हम बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेट। हम लोग लेंगे वार्म अप, एम इज़ अराउंड 10 रैप्स। इसमें एक चीज़ देखिए, मैं पूरा हाथ नहीं खोल रहा, मतलब मैं ऐसे यहाँ तक जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं ये करूँगा मेरा स्कैपुला बार बार खुल जाएगा, तो आई डोंट वांट टू ओपन माय स्कैपुला बिकॉज आई वांट टू कीप माय लैट्स इन एक्टिवेटेड पोजीशन 24/7, नॉट 24/7, मतलब जितने टाइम के लिए सेट कर रहा हूँ। तो एक बार मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, बस अब मैं खोलूँगा नहीं। ऑब्वियसली हैवी वेट में खुलेगा ये, बट लाइट वेट में तो कंट्रोल कर सकते हैं। एक पर्सनल स्टोरी अगर मैं शेयर करना चाहूँ आप लोगों के साथ, मेरे को बीच में स्कैपुला की इंजरी हो गई थी, जो मैंने व्लॉग्स भी किए थे फ्लाइंग बीच चैनल पे। तो लेफ्ट और राइट साइड इम्बैलेंस हो गया था, राइट साइड से वेट उठता नहीं था। तो स्कैपुला की, अगर आप लोग स्कैपुला को एक्टिवेट करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, बिकॉज बहुत लोग नहीं ट्रेन करते और स्कैपुला को ट्रेन करने की एक्सरसाइज भी नहीं होती। सो आई वेंट टू अ डॉक्टर, ही टोल्ड मी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये करना है, स्कैपुला एक्टिवेट करना है। देख रहे हो जो हमने वहाँ काम किया था ना, ये खाली स्कैपुला को एक्टिवेट कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। और दूसरी चीज़, उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट दीवार के अगेंस्ट खड़ा होकर 5 किलो से आपको शोल्डर प्रेस मारनी है ऐसे, क्योंकि मेरा राइट वाला इतना इम्बैलेंस हो गया था कि ये वॉल से लगता ही नहीं था, ये हमेशा मैं ऐसे मारता था, ये वॉल को छूता ही नहीं था। तो उस चक्कर में मेरी चेस्ट सफ़र कर रही थी, शोल्डर सफ़र कर रहा था। तो आपके पास स्कैपुला अगर चोट लग जाए तो अपर बॉडी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लगता ऐसा है कि स्कैपुला पीछे है तो सिर्फ बैक में दिक्कत देगा, बट ऐसा 50 जब ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करें तो एटलीस्ट 4 रेप्स निकाले, 4 से कम निकल रहा है, मतलब बहुत कम है वेट। गुड 40, अभी पता चलने लगा, अभी जलने लगेगी ट्राइसेप्स। गाइस सेट नंबर 2, हम पुल डाउन ही कर रहे हैं बट एक वेरिएशन है पुल डाउन का, दिस इज अ स्पेशल हैंडल, इसमें हाथ मेरे ऐसे ना रहे के ऐसे रहते, सो आई गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्शन ऑन माय लैट्स, स्पेशली लोअर लैट्स। तो अगर आपके जिम में ये नहीं है, दूसरा वेरिएशन आप क्लोज ग्रिप मार सकते हैं, जिससे वी बार हैंडल होता है उससे आप क्लोज ग्रिप मार सकते हैं, बट मैं ये लूँगा। इसमें मैं ज़्यादा वेट नहीं लगाता, कम वेट ही लगता है इसमें, क्योंकि आइसोलेट आती है लैट्स आपके, और देख रहे हो ये वी नीचे की ओर आ रहा ना, तो आप नॉर्मल से ज़्यादा नीचे जा सकते हो, दैट ऑल्सो मीन्स बेटर कॉन्ट्रैक्शन। सो मैं ईगो लिफ्टिंग ना करते हुए पूरा ध्यान मेरा कॉन्ट्रैक्शन पे रहेगा, एंड इसके 2 वर्किंग सेट करेंगे, नो वार्म अप बिकॉज लैट्स आर ऑलरेडी बर्निंग। हल्का सा होल्ड करूँगा नीचे, एंड पोजीशन सेम है, बैक की पोजीशन, आर्म्स की पोजीशन, स्कैपुला देख रहा हूँ, मैं पूरा हाथ नहीं खोल रहा, ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि वेट इज अंडर कंट्रोल, बस कॉन्ट्रैक्शन। बैक मारते मारते बाइसेप में भी पंप आता है यहाँ पे हमेशा, तो मेरी बाइसेप थोड़ी सी पंप हो गई है, बड़ा अच्छा फील है। बैक इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट टू ट्रेन बिकॉज शीशे में दिखती नहीं है आपको, सो हैव टू ऑलवेज इमेजिन। जिन लोगों का वीक है, आई रिमेंबर 2017 व्हेन आई वाज ट्रेनिंग फॉर सतीश शुगर क्लासेस, तो ट्रेन करते वक्त आपको, अगर आप कंपेटिटिव ट्रेनिंग कर रहे हैं, इमेजिन आप स्टेज पे हैं, पोज, बैक सिर्फ एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो आपको स्टेज पे 2 तरीके से दिखाना होता है, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब आपको कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाने होते हैं, मतलब कि छोटे करके दिखाने होते हैं, टाइट करके दिखाने होते हैं, चेस्ट टाइट करके, लेग्स टाइट करके, एब्स टाइट करके, सिर्फ बैक एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो आपको 2 तरीके से, मतलब टाइट करके बैक डबल बाइसेप और खोल के बैक लैट्स में, दिस इज द ओनली बॉडी पार्ट। सो अगर 2 तरीके से दिखाना है तो ट्रेनिंग भी 2 तरीके से होनी चाहिए, वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। तो ऑलवेज इट्स अ गुड आइडिया बैक में स्पेशली टू डू डायनामिक स्ट्रेचेस बिटवीन द सेट्स। सो व्हाट इज डायनामिक स्ट्रेचेस, माय फर्स्ट पर वीडियो में स्ट्रेच एंड लीव ज़्यादा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंड देन एक्सपैंड, तो वो बहुत मेन रहता है आपका। चलो सेकेंड सेट, इसमें मैं थोड़ा स्ट्रैप यूज़ करूँगा बिकॉज अब मेरे को थोड़ा सा 4 आर्म्स में फील होने लगा। साइज नंबर 3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं बारबर रोइंग से, मीट ऑफ योर बैक, सबसे ज़्यादा बैक का जो मास बनेगा, आपकी थिकनेस बनेगी, वो इस एक्सरसाइज से और डेडलिफ्ट से, ये दोनों मतलब एक वेरिएशन में रहता है हर बैक वर्क, मैं छोड़ता नहीं हूँ अभी। इसमें मैंने बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाया, बट आज मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊँगा जो आपको करनी है, ग्रिप,
शोल्डर विथ ग्रिप लेंगे वो बेस्ट रहेगी। मतलब ये आपके हाथ है तो मैं ये लेता हूँ ग्रिप, जितना थोड़ा सा शोल्डर विथ रहेगा उतना आपको रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेगा। और दो तरीके इसको करने के, एक लोग जो करते हैं पूरा ऐसा 90 डिग्री आते हैं ये खींचते हैं, आई फॉलो द प्रिंसिपल डोरियन यीट्स वाला कि बैक को 45 डिग्री में रखिए ये एंड देन ये खींचिए। दूसरी चीज़ लोग आगे लेके जाते हैं वेट को थिंकिंग कि स्ट्रेच ज़्यादा मिलेगा, स्ट्रेच को ज़्यादा नहीं मिलता वो आगे लेके जाते हैं तो ये देखो ये मोशन आ रहा शोल्डर का, याद है ये एक्सरसाइज करते हैं जो ये चीज़ आप नीचे जाके वो कर रहे हो तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है। बैक का एक्सटेंशन ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन, यहाँ से कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रहा आपको, थोड़ा सा आपका मूवमेंट और ख़राब हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इसके मैं लगाऊंगा 3 सेट, ये फिर भी एक वार्म अप कर सकते हैं, इसको वार्म अप मार रहे हैं। बेल्ट मैंने अभी नहीं लगाई, बेल्ट में कब लगाता हूँ जब मुझे लगता है कि वेट थोड़ा सा हैवी हो रहा है, लोअर बैक पे आने के चांसेस हैं सेफ्टी। अब मैं अपनी लोअर बैक का ख्याल बहुत ज़्यादा रखता हूँ, पिछले 2 साल से मुझे इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो कोई चांस नहीं। डेडलिफ्ट मारते हुए लगता है कि हाँ 4 मार सकता हूँ, 3 में हल्का सा अनकम्फर्टेबल हुआ मैं छोड़ देता हूँ भाई, बॉडी थोड़ी कम बन जाएगी ठीक है लेकिन शरीर सलामत रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब ऑनेस्टली बोलूँ तो भाई इतना ध्यान नहीं दे पाते हम शरीर पे जितना पहले दे पाते थे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो लगता है कि बस दिन में एक बार जिम हो जाए एंड आई फील हैप्पी फॉर दैट। सो ये हमने किया लिफ्ट, एक स्टेप पीछे, अब मैं इतना ही झुकूंगा कि रॉड मेरे घुटनों तक आ सके, विच इज़ 45 डिग्री एंगल घुट गया। ये स्टार्टिंग पोजिशन, ये नहीं ले जाऊँगा यहाँ पर रखूँगा। यार ये ऐसी एक्सरसाइज है जो मैंने शुरू के 4-5 साल कॉलेज में खड़गपुर में बिना फीलर बिना पंप के मारी है, ओनली रीज़न बिकॉज टू सी माई आइडल विच वॉज रोनी कोलमैन, वो बहुत मार रहा है फट 4-4 प्लेट लगा के, तो मैंने कहा कि वैसे ही मारने का तरीका है। हम ये भूल जाते थे कि भाई फॉर्म भी कोई चीज़ होती है, पंप भी कोई चीज़ होती है, बट नाउ वट एवर आई डू आई गो फॉर द पंप, पंप विद हैवी वेट, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, जहाँ पंप आना बंद हो गया वहाँ हैवी वेट पर रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। शीप जय चुप, आप देख सकते हैं कहीं भी इसमें झटका नहीं मार रहा मैं, बहुत लोग झटका मार के अपनी बैक को नीचे लाते हैं, मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दैट आई ट्राई टू डू इट, मतलब मैं झटका मारना भूल ही गया क्योंकि इतने टाइम से सही फॉर्म से करवाऊँ कि भूल गया खराब फॉर्म कैसे होती है, डर लगता है खराब फॉर्म के चक्कर में चोट ना लग जाए। तो बेसिकली झटके से कैसा क्या मतलब है मेरा, लोग चू तो ऐसे मारते लोग तो वो फायदा नहीं है। तो भाई नेक्स्ट हम कर रहे हैं सीटेड रोइंग, सीटेड रोइंग में यूजुअली स्ट्रेट बार लगाते हैं या फिर वी हैंडल लगाते हैं, मैंने वो दोनों नहीं लगाए और क्यों नहीं लगाए, रीज़न है कि मैं जितना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अंडर हैंड मूवमेंट्स, और अंडर हैंड में अगर रॉड लगाऊंगा तो ऐसे मारते हैं तो फिर भी हाथ अटक जाता है। सो ये सेम चीज़ आपके रिस्ट को आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में रख सकते हैं। सो मैं मारता हूँ ऐसे, ये रहती मेरी पोजीशन। सो अगर मैं रॉड लगाऊंगा तो पूरा ऐसे रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन टू कीप योर रिस्ट इन, स्लाइटली दिस विच सॉल्व द पर्पस हिटिंग लोअर लैट्स, और इसमें आपको लाना है अपने हाथों को अपने बेली बटन के पास, मतलब कि यहाँ पे ऊपर लाएंगे, जितना ऊपर लाएंगे उतना यू आर वर्किंग अपर बैक, जितना नीचे लाएंगे लोअर बैक और लोअर लैट्स बेसिकली। इसमें बहुत लोग ऐसे मारते हैं आगे झुकते हैं कि स्ट्रेच आएगा, नॉट नेसेसरली स्ट्रेच होगा ये पूरा, कितना पुराना आ रहा है कट एंगल वर्सेज HB के, लेकिन HB के बहुत मार खाता था, बहुत सबसे ज़्यादा मार ही खाता था और मार खा के उठ जाता था, इसकी वो थी कितना भी मार लो उसको बंदे को यूज टू गेट, मेरा फेवरेट था ये। इसने भी झटका नहीं मारा, लोग झटका मारते हैं ऐसे कोई फायदा नहीं, जोर से कर कर कर, अरे गजब क्लैप मारी भाई, ठीक है ड्रॉप सेट मारेंगे। सो दिस इज माई लास्ट सेट, पचपन चालीस चालीस बस हो गया। इसमें मैं होल्ड करूंगा, 1 सेकेंड होल्ड। गाइस नेक्स्ट हम करने वाले डेडलिफ्ट, डेडलिफ्ट मैं मोस्टली हर वर्कआउट में करता हूँ
शुरुआत में नहीं करता, हम लोग शुरुआत में कहते हैं डेडलिफ्ट, बट मेरा रीज़न क्या शुरुआत में ना करने का, बैक मेरी ऑलरेडी फटीग हो चुकी है, तो अब जो कम वेट उठा पाऊंगा नंबर वन, और नंबर टू बैक पहले फटीग होगी, बाकी बॉडी पार्ट्स बाद में फटीग होंगे, तो मेरा मेन एम कम्प्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़, मैं डेडलिफ्ट फ्रॉम द फ्लोर नहीं करता, मैं ऑलवेज डेडलिफ्ट फ्रॉम द रैक करता हूँ, एंड आई गो डाउन, बट एकदम फ्लोर पर नहीं आता, क्योंकि जैसे मैंने पहले बहुत बार कहा, जब एकदम फ्लोर पर जाते हैं आप ये, तो यहाँ से जब ये पार्ट आना, ये पूरा ना लेग्स आपको, क्योंकि बैक का एंगल देखिए आप, जो मेरा एंगल है इट इज़ नॉट चेंजिंग, ये देखो ये उतना ही एंगल है बैक का एंगल, यहाँ से आके फिर मैं बैक सीधी हो रही है, तो ये बैक का काम हो रहा है भाई, ये देखो देख रहे हो बैक रोल हो रही है, बट ये तो लेग्स हो रही है, तो मैं वो पार्ट नहीं करता, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, क्यों, क्योंकि मैं ग्लूट डोमिनेंट नहीं हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है उस चीज़ में, तो वार्म अप नहीं कर रहा मैं, मतलब 100 से उठा रहा हूँ पहले, क्योंकि बहुत एक्सरसाइज कर चुके हम, और इसमें ग्रिप थोड़ी वाइड लेंगे, ये मेरा शोल्डर विड्थ है, तो ये शोल्डर विड्थ अगर है इतना वाइड लेंगे हम, ग्रिप में दोनों साइड भाई ओवर हैंड ग्रिप ले रहा हूँ, ऑल्टरनेट ग्रिप नहीं ले रहा हूँ, शुप 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 जय लेट्स गो। तो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग है रोल, मैं शोल्डर ब्लेड्स बैक, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग, बैक आर्क न्यूट्रल स्पाइन, बहुत लोगों को लगा कि हाफ डेडलिफ्ट है, ये हाफ डेडलिफ्ट नहीं है, ये रैक डेडलिफ्ट भी नहीं है, बस मैं नीचे से उठा लिया, दिस प्रॉपर फुल डेडलिफ्ट। इसमें एक फायदा हो रहा है, दिस बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट आल्सो, क्योंकि जब तक आप फ्लोर पे मारते हैं ठक ठक ठक, बहुत लोग फ्लोर से पुश लेते हैं, तो इट बिकम्स अ लिटिल इजी, बट दिस इज मोर डिफिकल्ट, लेट टू गो स्टॉप एंड देन पुल इट बैक अप अगेन। मेरी ना आदत है जिम में, तो मैं ऐसे अलाइन करता हूँ, ऐसे उधर भी अलाइन करता हूँ, बंदा आया सर इससे कुछ होता है, मतलब ऐसे आप हमेशा, मैंने कहा हाँ इससे जो आपकी एनर्जी है ना वो पास थ्रू होती है, तो बॉडी के अलाइन हो जाती है, तो बॉडी में आके लगती तो आपको फाइनल सेट ऑफ डेडलिफ्ट्स, दिस इज 180 किलोस, 4 प्लेट्स, और इसे हम एम करेंगे 4 रेप लगाने की, इसे मैं एम है 4 लगाने की, लेकिन अगर 5 लग गए, गलती से अगर 5 लग गए तो सबको वीडियो लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। सही है, सही मोटिवेशन हो गया, लाइक के लिए मार दिए 5, चक्कर आ गया भाई, ओह सर घूम गया। फाइनल वर्कआउट हम करेंगे केबल पुलओवर, भाई दिस इज द फाइनल एक्सरसाइज, हम करेंगे इसके 3 सेट केबल पुलओवर्स के, इट विल गिव यू गुड स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये कह सकते हैं बैक में दिस इज द ओनली काइंड ऑफ आइसोलेशन एक्सरसाइज जो आपके लैट्स को आइसोलेट करेगी, और अगर आपको फील नहीं आता बैक में तो ये आपको फील ला के देगी, इसमें हैवी मत जाएँ क्योंकि इसमें चीटिंग होने का बहुत चांस है। 15 रेप करेंगे, 3 सेट करेंगे, नंबर वन चीज़ इसको यहाँ पे मत रखें, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा आपका, और वेट हिसाब से, एंड देन तो आपको ऊपर आके स्पाइन न्यूट्रल करनी है, मतलब कि बहुत लोग ऐसे मारते हैं, ऐसे ही मारते रहते हैं, ऊपर ये गया, फील द स्ट्रेच, कम डाउन, स्पाइन न्यूट्रल, और ये जो दो चंक्स ऑफ मसल हैं आपके साइड में जिसको आप ब्लैड बोलते हैं, ये चेस्ट ऊपर लाना है, स्पाइन न्यूट्रल होनी है, और मतलब एक तरीके से आप ये फील करिए कि हाथों को या एल्बोस को आपने अंदर ले जाना है, और जब ऐसे आ रहे तो अंदर नीचे आया अंदर, और उस अंदर के चक्कर में जो चंक्स ऑफ मसल है उनको दबाना आपने, तो इट इज़ अ माइंड मसल कनेक्शन टेक्निक, जिससे कि अपने माइंड को हम बता रहे हैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। तो बेसिकली आप जब नीचे आते हैं तो इस एल्बो को आप समझिए यू थ्रोइंग एट दैट कॉर्नर ऑफ द रूम, और इसको वहाँ पे तो ये पकड़ के अंदर की, मतलब अभी रात में कुछ है नहीं तो इट इज मोर एग्जैजरेटेड, बट दिस इज वॉट यू हैव टू डू।
दिस वेट वॉज ओके, 15 का एम किया था 14 हो पाए। प्लस आपने देखा होगा हर बार मेरा जो ये रॉड है, मतलब ये रॉड कह रहा हूँ बार बार, रोप है, रोप पेल्विक पे आना चाहिए, ये यहाँ लाइटर, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी हाथ में इतना एंगल रहेगा और ये एंगल मेंटेन रहेगा। तो ये एंगल मेंटेन अगर रहता है तो पेल्विक के पास ही हाथ पड़ता है आपका, सीधा रखें, ये देखिए। सो एंगल हिलाना नहीं है, नीचे गए, ये एंगल है इतना, ये नहीं है ना कि सीधा हो गया, यहाँ पे आके एंगल बढ़ गया, जो एंगल रख लिया रख लिया, तो आपके पेल्विक पे ही आता है। देखिए यहाँ नहीं जाना आपने, यहाँ जाएंगे तो बैक ओवर एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ जाएंगे तो न्यूट्रल स्पाइन नहीं रहेगी। लास्ट सेट, इसमें थोड़ा सा ड्रॉप मारेंगे हम, बस एक शे। सो गाइस, दिस इज द बैक वर्कआउट। बैक के साथ हम हमेशा, मैं हमेशा ट्रैप्स मारता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव ट्रैप्स इज अ पार्ट ऑफ योर बैक, फ्रंट बॉडी में नहीं, ट्रैप्स को हमेशा रहे, आप बैक दिखाते हैं, बैक डबल बाइसेप्स, लैट्स राइट, तो बैक को ट्रैप्स को वहीं दिखाते हैं। सो हम करेंगे बिहाइंड द नेक श्रग्स, वन एक्सरसाइज 3 रेप्स मारेंगे, दैट्स इट। सो गाइस, हम दे रहे बिहाइंड द बैक श्रग्स, इसमें थोड़ा सा वाइड लेना, दिस इज योर शोल्डर, थोड़ा वाइड लेंगे हम ग्रिप, ये नेक को रखेंगे न्यूट्रल पोजिशन में, नेक नीचे नहीं होगी, नेक ऐसे ऊपर नहीं होगी, सामने। और बहुत लोग ऐसे करते हैं, चिड़िया की तरह करते हैं नेक को ऐसे, वो भी नहीं करना, नेक को मूव नहीं करना, बस इसमें होल्ड करना आपने। यार इसमें बहुत ज़्यादा वेट आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बिहाइंड द नेक डिफिकल्ट होती है, बट फिर भी लोग बहुत ज़्यादा खींचते हैं। लोग ये मारते हैं, लोग झटका लेते हैं नीचे से, लेग से झटका लेते हैं, लेग से सिंपल होल्ड, कॉन्ट्रैक्ट होल्ड। सर इसमें अगर आप स्मिथ मशीन पे ये लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, लेकिन कभी कभी क्या होता है जिम में स्मिथ मशीन खाली नहीं होती, सो ये उस टाइम की एक्सरसाइज है जब जिम में स्मिथ खाली ना हो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द स्मिथ कि स्मिथ खाली हो, बंदा कंप्लीट करे, लगाओ, ख़त्म करो, निकल लो। सो गाइस, दिस वाज अ बैक वर्कआउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर सीरीज। जिसके बाद हम वर्कआउट करें, इसके बाद हम करेंगे एक डाइट एंड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम कि हार्डकोर मास बिल्डिंग में क्या डाइट चाहिए। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मास बिल्डिंग स्लोली हो तो बेटर रहेगी, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा गेन करने का कोई फायदा नहीं है। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आर टेक नमस्कार, एंड जैन इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, थैंक यू।